गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इनर्शिया के दो इंपॉर्टेंट थ्योरम। ऐसा है दोस्तों कि इनर्शिया तो आपको मिल गया, पर इनर्शिया के रिलेटेड साथ साथ दो बहुत ही बढ़िया थ्योरम बोल सकते हो। एक को बोलूंगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दूसरे को बोलूंगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यानी दो थ्योरम हमें पक्के करने पड़ेंगे। उसमें से पहला है दोस्तों पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दोस्तों ये स्टेटमेंट बहुत लंबा है, अगर आप रटने गए तो भूल जाओगे। फॉर्मूला पक्का करो, फॉर्मूला के हिसाब से स्टेटमेंट बन जाएगा। क्या है फॉर्मूला? I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। माइंड के अंदर पक्का कर दो I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। मेरे साथ मेरे दोस्तों, I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। I का मतलब क्या? मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी एक्सिस, यानी जहां पे आप ढूंढना चाहते हो। जैसे रोड है तो उसके टेंजेंट पे ढूंढ रहे हो, उसके कोई एक एंड पे ढूंढ रहे हो, कोई डिस्टेंस पे पर्टिकुलर ढूंढ रहे हो, यानी कोई भी जगह पे आप ढूंढना चाहते हो उससे हम बोलेंगे आई। आई सी सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास है वहां से जो पास हो रही है उसका इनर्शिया। उसके साथ साथ क्या है? टोटल मास एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। अब डायग्राम में देखो, आपको कोई ऑब्जेक्ट दे दिया है, उसका सेंटर ऑफ मास यहां पे, तो यहां से जो पास हो रही है वो आईसी, आईसी की बात हो रही, उसका मास एम, डन। अब हमें ढूंढना यहां पे है, तो यहां पे मैंने कोई एक्सिस ले ली आई। अब उस दोनों का रिलेशन देख रहा हूं, इन दोनों का रिलेशन डी, तो यहां पे डी का स्क्वायर। तो स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, वो समझते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू, देखो यहां तक क्लियर हो गया, इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ मास, यानी आईसी की बात हुई। एंड प्रोडक्ट ऑफ मास यानी एम, एंड दूसरा इन दोनों का प्रोडक्शन मल्टीप्लीकेशन, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। कुछ नहीं किया हम लोग, लेफ्ट टू राइट लिखते गए, स्टेटमेंट बनाते गए। देखो दोस्तों, पक्का करना है, एक दो बार लिखोगे तब जाके आपको याद रहेगा वर्ड टू वर्ड। ये तो रटने की बात हुई, अब एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स में जाना है तो आपके पास फॉर्मूला रेडी है। आपको लगे सर इसका एप्लीकेशन सीखा, तो पहला एप्लीकेशन आपको एक रोड दे दिया है, उसका सेंटर ऑफ मास ले लो और आप उसके वन एंड पे फाइंड करो। दोस्तों क्या था फॉर्मूला? आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। आई यानी यहां पे हम ढूंढना चाहते हैं, याद कर दोस्तों रोड के लिए हमने सिखाया था रोड 1/12 mL स्क्वायर, एम वैसा का वैसा स्क्वायर, डी की जगह के यहां पे आ जाएगा एल बाय टू, क्योंकि वन एंड है, कोई भी एक एंड पे है तो ये उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। अच्छे से लिखो तो 1/12 mL² ml² यहां पे हो जाएगा 4। दोस्तों 12 LCM आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 यानी 4 हो जाएगा, 4/3 mL². सो फाइनली 1/3 mL² यानी I इज इक्वल टू 1/3 mL². दोस्तों बहुत ही बेहतरीन, आपको कॉन्सेप्ट भी आ गया, उसकी एप्लीकेशन भी आ गई। कोई बोले सर रोड का तो आता है, आप एक रिंग के लिए फाइंड करो। रिंग का हमने कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो फॉर्मूला तो सेम ही है, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। आई सी यानी सेंटर, रिंग का परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला 1/2 mR² ये एम। अब डी की जगह पे आपको पता है ये डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा, तो सिंपल आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि डी की जगह हम लोग आर लिख देंगे। तो क्या आया फॉर्मूला? आई इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, 2 × 2 + 1 यानी 3/2 mR²
कोई मेरे को ये बोले कि सर इसके बाद रेडिएशन ऑफ गायरेशन वो फाइंड करके दिखाओ, तो इसका फॉर्मूला आप जानते हो, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। याद आया रेडियस ऑफ गायरेशन? अब यहां से दोस्तों एमएम कट कर दो, आपका फॉर्मूला भी रेडी, के स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 आर स्क्वायर, सो के इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 आर। जो गायरेशन है उसका भी रेडियस आपको मिल गया, मजा आ गया आपको। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बहुत से टेक्निक समझ में आ गई। अब कोई भी न्यूमेरिकल हो, कोई भी एमसीक्यू हो, आप इजीली दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दोस्तों पैरेलल एक्सिस था वैसे परपेंडिकुलर एक्सिस है। दोस्तों ये चीज सिर्फ और सिर्फ लेमिना के लिए या फिर प्लैनर बॉडी के लिए यूज होगी जो प्लेन में है, एक प्लेन में है वो। अब ये जो बॉडी है उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी वो जैसे जेड है, तो जेड की इनर्शिया क्या होगी? इन दोनों का एडिशन। रिपीट, जेड की क्या होगी? इन दोनों का एडिशन। देखो स्टेटमेंट इसके हिसाब से बनेगा, फॉर्मूला रेडी कर दो, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। दोस्तों मेरे साथ आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो अब देखते हैं क्या हो रहा है फॉर्मूला। द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया प्लानर बॉडी लेमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर, आ गया वर्ड दोस्तों हमारा परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इज इक्वल टू द सम ऑफ, इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस। यानी इन दोनों का एडिशन करोगे जो इसके कंसर्न में है, उसके कॉन्करेंट में है, इन दोनों का एडिशन ही आपका आंसर आएगा। इसकी भी एप्लीकेशन है दोस्तों। अगर मैं ऐसा बोलूं आई जेड, तो आपने अभी अभी फॉर्मूला सिखाया आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। दोस्तों आप प्लेट बोल दो, डिस्क बोल दो, उसका फॉर्मूला हमने सिखाया था 1/2 एम आर स्क्वायर। अब यहां पे कोई भी एक्सिस है, यानी मैंने ऐसा एज्यूम कर दिया आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई, तो दोस्तों यहां भी मैंने आई लिख दिया, यहां भी लिख दिया, यानी 1/2 एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2i, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला 1/4 एम आर स्क्वायर। आप सब देख सकते हो दोस्तों आपके पास बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला आ गया आई। और मैं ये बोलूं कि यही चीज को मैं आई एक्स बोलूंगा, यही चीज को मैं आई वाई बोलूंगा, 1/4 एम आर स्क्वायर। आप सब देख सकते हो बेटा हमारे पास ये आंसर आ गया एनी एक्सिस, एनी ऑफ दिस डायमीटर रिंग के लिए, डिस्क के लिए। जैसे मैंने डिस्क के लिए सिखाया, वही चीज दोस्तों रिंग के लिए क्या आएगी आप मेरे को सिखाओ। आपको लगे सर क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जो मैंने टेबल सिखाया था, तो डिस्क का फॉर्मूला याद करो ये था, याद आया डिस्क का फॉर्मूला, उसके साथ साथ ये परपेंडिकुलर एक्सिस का था। अब एनी एक्सिस का देखो ये फॉर्मूला आता है, यानी इनडायरेक्टली आपने प्रूव कर दिया। यही चीज रिंग के लिए आपको प्रूव करनी है, आपका आंसर फाइनल 1/2 एम आर स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो आप चेक करिए। तो देख लो बहुत ही बढ़िया दोस्तों, इंपॉर्टेंट, बहुत ही काम में आने वाला थ्योरम, पक्का कर लो, एक दो बार लिख दो, तब जाके आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको इसका आंसर अच्छे से आ जाएगा मेरे दोस्तों।